ये भूत लोग हमारा टॉयलेट यूज कर जाते हैं। मैडम आपको क्या पता, भूतों के साथ रहना लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है। इतनी अजीब जी फरमाइशी आती ना, एक भूत तो कल मेरे को कह रहा था मेरे कान साफ कर दो। बताओ प्रॉब्लम क्या है, कर देते? करने की बात नहीं, प्रॉब्लम क्या है। अब भूत नजर तो आते नहीं, आइडिया से हम लोग तिल्ली मारते हैं, गलत जगह तिल्ली लग जाए फिर गालियां देते हैं। आओ तुम, आओ तुम्हें हवेली दिखाता हूँ मैं। ग्रेट, लेकिन आपको डर नहीं लगता? नहीं नहीं, ये पजामे तो मैंने वैसे भी धोने ही थे, डर क्या मेरे को लगना है? अरे नहीं, नहीं, मेरा कहने का मतलब है आप अकेले रहते इस हवेली में तो डर नहीं लगता? अकेले को नहीं मेरे को डर लगता, जब आप आ जाती ना साथ में फिर मेरे को लगता बेड़ा गर्क ना हो जाए। अकेले को तो मेरे को डर नहीं लगता। देखो तुम ना बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुमने कभी भूत देखा है? मैंने भी कल ही देखा, इतना बड़ा भूत, इतने इतने बड़े दांत, चार टांगे, ऐसे सूंड में पानी भर भर के लोगों पे फेंक रहा था। वो भूत नहीं, हाथी होता है। हाथी होता है? हाँ। होगा, मेरे को नहीं पता, एक्चुअली मैं कभी बाहर गया ही नहीं बंगले से। You know what? You're a very interesting character. अच्छा? मैं ना तुम्हें अपने फिल्म में एक रोल दूंगी। रहने दो मैडम, सब बातें करते देता कोई नहीं है। बातें बातें होती सब, जो असली डायरेक्टर वो दे नहीं रहे, तू थोड़ी देर के लिए बन के आई, तू जरूर देगी मेरे को। अरे कृष्णा को दिया था ना रोहित शेट्टी ने काम, वो तो केस ही अलग। अब ढीठ बन के आप पीछे ही पड़ जाओ फिर तो दे ही देता आदमी। रोहित शेट्टी एक बात बताओ, तुम इस हवेली में अकेले आई, तुम्हें डर नहीं लगता? ज्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा। अच्छा तुम एक काम करो, इधर आओ, ये अंगूठी पहन लो, इससे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ तो मैंने कहा था कुछ नहीं होगा। ये अंगूठियां अंगूठियां जो होती है ना, ये सब बहाना, कुछ नहीं होता। एक बात बताओ, इधर आओ बैठो। एक बात बताओ, तुम्हें हमारी हवेली का एड्रेस किसने बताया? अरे वो गूगल पे सर्च किया था, मिल गया। अच्छे वाह, गूगल पे सब कुछ मिल जाता है। हाँ। मेरा एक नीला कच्छा नहीं मिल रहा धारियों वाला, जरा सर्च करके बताना। ये सब भैया चीजें नहीं मिलती गूगल पे। अच्छा हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम इस हवेली में अकेले रहते हो, रखवाली करते हो, तो पेमेंट कौन देता है? पेमेंट कोई नहीं देता, इधर अमरूद लगे हुए मैं वही तोड़ लेता हूँ। हाँ? जब कभी दिल करता है ज्यादा पगार लेने का, दो की बजाय चार अमरूद तोड़ लेता हूँ। पगार वगार कोई नहीं, इधर कोई नहीं देता। हाँ तो जंगल में हवेली है तो शेर वेर नहीं आता? शेर आ जाता है, अक्सर ही आ जाता है यहाँ पे। लेकिन मैंने एक बहाना ढूंढ लिया है, मैं कंबल की ना चुनरी बना के दुपट्टा लेके शेर नहीं बन जाता हूँ, दो मिनट के लिए मियाँ मियाँ करता हूँ। मियाँ मियाँ तो बिल्ली की आवाज है। अब मैडम जब शेर शिकार के मूड में आते ना, उसको कोई लेना देना नहीं कौन बिल्ली है कौन शेर नहीं है। वो अपना। एक बात बताओ, तुम बॉम्बे से आई हो, तुम्हारी फिल्म की स्टोरी क्या है? रोमांटिक स्टोरी है। ओके। लड़का लड़की मर जाते हैं और फिर भूत बन जाते हैं। लड़का मर के भूत बन जाता है? हाँ। लड़की मर के क्या बनती है? चुड़ैल। अच्छा लड़का मर के भूत बन जाता है, लड़की चुड़ैल की चुड़ैल। देखो ये बहुत पुराना जोक है। एक बार बताओ, लड़की हीरोइन के रोल के लिए किसको ले रहे? गोपाल की बीवी को ले लो। गोपाल की बीवी, ये कौन है? गोपाल इधर मर गया हवेली में काम करते करते, बेचारा भूत बन गया। हमारे पास ऑलरेडी हीरोइन है। नहीं मैं कह रहा हूँ गोपाल की बीवी को ले रहे हो तुम। अरे मैं कह रही हूँ नहीं चाहिए, हमारे पास हीरोइन है। मैं कह रहा हूँ अगर गोपाल को गुस्सा आ गया ना, गोपाल आता ही होगा। मुंह से आवाज मत निकालो। एक किसने बोला तुम्हें मुंह से निकाल रहा हूँ मैं? हाथ निकालो। दोनों हाथ निकालो। क्या है ये, क्या बकवास की जा रहे हो? पागल समझा मुझे तुम? ए पागल लग रहा हूँ मैं तुम्हें? तेरे को पागल लग रहा है? इतनी बड़ी हवेली की मैं रखवाली करता हूँ, मैं पागल हूँ? बिल्कुल। और तुम्हें अपनी फोटो क्यों लगाई है? मेरी फोटो थोड़ी है, ये तो गोपाल की फोटो है। तुम गोपाल? ओ जल्दी मर तेरे को। ओ माय गॉड तू मर गई। ओ माय गॉड ये तो मेरी फोटो है। तुमने बात नहीं सुनी, मैं कह रहा था ये गोपाल, मैं गोपाल का दोस्त हूँ, ये कहना तू तो पहले ही मर गई। हो गया, अब आदमी मर गया तो आगे एक्ट क्या करना, छोड़ो। परा कपिल सिखा रहा है अच्छी बहू होने के संस्कार। प्लीज वेलकम कपिल एज ट्यूटर एंड सुहासी एज अ बहू। अर्चना बनके क्या मन की भड़ास निकाल रही थी तुम? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, अर्चना के साथ मेरा अफेयर बता रहे हो। अरे मेरी बड़ी गर्लफ्रेंड की तरह है वो। बड़ी गर्लफ्रेंड? तू क्या बोल रही थी? मैं लाइन मारता हूँ। और तू जब शेखर होता था तो 12-12 किलो की पिन्नी दिखाती थी उसे वो। आपसे तो बाद में बात करता हूँ। सुमोना, व्हाट डिड यू डू लास्ट नाइट हियर? ये तो भरा पड़ा था 3 साल से सुदेशी के साथ, ये तो मौका ढूंढ रहा था कोई आए। और बच्ची की हाइट तो देख ले, वो भी क्या जाली वाली साड़ी पहन के आई है।
बेइज्जती करता हूँ, मैं बोलता था तुम्हें, मैं सिर्फ बेइज्जती करता हूँ। अरे दुनिया बड़ी लस्ती घूम रही बाहर, अरे सारी रात जाग के दही जमाया, लस्सी कोई और पी गया। मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोला है ससुराल में, अच्छी बहू कैसे बने। हम लोगों को प्रॉब्लम बड़ी आती है, लोगों बेचारी नई नई बहुएं बन के जाती हैं। ये हमारे गुप्ता जी की है बच्ची, शादी होके गई बेचारी, उसकी सास इतनी कमीनी कहती खबरदार जो तूने शॉर्ट स्कर्ट पहनी, सेम सेम हो जाता है। तो लोग हमसे टिप्स लेने आते रहते हैं, जैसे श्रुति आई थी कहती मैं अपने ससुराल को खुश कैसे रखूं, मेरे को तू घर ना जाया कर। यार मेरे को कोई आए अच्छी सी कस्टमर तो अपना धंधा देखिए, हमारा धंधा सोहेल भाई मेरे को बेस्ट ऑफ लक नहीं करेंगे, मैंने धंधा खोला है। मैंने धंधा खोला, बेस्ट ऑफ लक नहीं करेंगे, हाँ बेस्ट ऑफ लक ही करना, मेरे को उम्मीद भी नहीं है। फिल्म ना बनाना जो काम है। यस एक्सक्यूज मी, यस अच्छी बहू बनने का इंस्टीट्यूट यही है। देखो मैं तुम्हें ड्रेस देता हूँ, अच्छी आर्टिस्ट कैसे बने, एक लिसन नहीं ऐसे बोर्ड लगा रखा, हम लोग समोसे नुकीले करते हैं यहाँ पे। क्या? अरे बाबा यही है हमारा इंस्टीट्यूट, हमने यहाँ पे बड़ी बड़ी अच्छी बहुएं तैयार की, देशी विदेशी हर तरह की। पिछले महीने एक बार इंग्लैंड से एक लड़की आई थी, गोरी बहू, मेरे को कहती मेरे को तैयार करो ट्रेनिंग, तो मैंने तैयार किया, जिस दिन तैयार हो गए मेरे सामने ही मेरा मूड बदल गया, मैंने खुद रख ली। चौथे दिन जब मेरी हाय हेलो हुई तो मेरी थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई, उसको हिंदी नहीं आती थी, अंग्रेजी भी नहीं आती थी, बाद में पता चला गोरी थी नहीं, वो तमिल औरत थी, उसने मछली के ऊपर दूध पी लिया तो सफेद सफेद हो गई। मेरे को शक पहले दिन था, स्वागत वाले दिन सारी चीजें छोड़ के, चाइनीज कॉन्टिनेंटल छोड़ के मेरे को बोलती सांबर चाहिए। सांबर आया तो चटनी में उंगलियां डुबो के जब ऐसे किया ना, फिर मेरे को पता लगा ये गलत है। ये आप बताइए। मेरा नाम सोनी है और अगले महीने मेरी शादी है। वेरी गुड, पर मैं नहीं आ सकता, मेरे तो मुंडन है। मुंडन? या इतना लेट? इतना लेट का मेरे दादाजी की तो पिछले महीने हुए मेरे दादाजी के। दादाजी का मुंडन अभी? हाँ मोहल्ले की भाभियों को छेड़ेगा तो बुड्ढे का मुंडन ही होगा। मुंडन करवाना क्यों चाहते हैं? मैं तो बस, मैंने भी एक भाभी पसंद की है थोड़ी सी, बस दो बजे छेड़ूंगा, ढाई बजे मुंडन। क्या खर्चा बच जाता कटिंग का। मैं तुम्हारी शादी पे एक शर्त पे आ सकता हूँ, मेरे को दूल्हे की साली बनाओगी। अरे पर क्यों? अरे मेरे को जूते मिल जाएंगे, मेरे फटे हुए हैं, मेरे तुम्हारा क्या जाएगा? नहीं, मेरे पास पटियाला सलवार भी है मेरे पास। मैं तुम्हें शादी में इन्वाइट ही नहीं करने आई हूँ। अच्छा, ये जो हमें जानते हैं वो तो नहीं बुलाते, जो नहीं जानते वो भी नहीं बुलाते हमें। तुम क्या करने आई है? मैं शादी के बाद ससुराल में कैसे रहते हैं, कैसे मैनेज करते हैं वो सीखने आई हूं। ओके, देखो तुम्हें हमारी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेनी है, ये फॉर्म भरना पड़ेगा, ये फॉर्म भर दीजिए आप। हाँ, हाँ। ये वाला फॉर्म, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला जी। पर ये तो सरस्वती स्कूल का एडमिशन फॉर्म है। हाँ, तो मेरे भतीजे की एडमिशन हो रही है, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी फॉर्म है ये। हिंदी में है, हिंदी में। ये हिंदी है? हाँ पक्का? हाँ। इसका मतलब मेरे को हिंदी भी नहीं आती। एक्चुअली मैं पहले इतना टैलेंटेड, पता नहीं चलता क्या क्या नहीं आता। एक काम करो, ये तुम्हारा पति है जिसके तुम शादी कर रही हो, वो क्या करता है? उनका लकड़ी का बिजनेस है। पक्का? पता कर लेना, बड़े धोखे होते हैं आजकल। ये हमारे बगल में लड़की की शादी हुई, कहते लकड़ी का काम है, बाद में पता चला लड़का माचिस की तिल्लियां सीधी करता था। कोई शादी वादी की टिप्स दो ना कोई। देखो मैं तुम्हें शादी की टिप्स बताता हूँ। हाँ। सबसे पहले तो एक काम करना, जब भी ससुराल में जाना मुंह बंद रखना, गूंगी बनकर रहना, वहाँ पे बोलना एक लफ्ज नहीं बोलना। मतलब हर बहू बोलती नहीं है? नहीं, सिर्फ डेली सोप वाली। तुम लोग जो डायलॉग मुंह से निकालते ना, माँ बहने करके रख देती हूँ डायलॉग की। एक बात बताओ मेरे को, माँ बहन से याद है, वो फैमिली जॉइंट है के कैसी है? जॉइंट, जॉइंट फैमिली। सबसे पहले अपनी सास को अपने पति से अलग करो, ये सास होती तंग करने के लिए। क्यों? ये सास होती क्या? सास बुड्ढी है और खांसी, हर एक मिनट के बाद कहती पोता चाहिए, पोता चाहिए, पोता चाहिए। हाँ तो मैं दे दूंगी ना। एक मिनट बाद पोता, ए हमने ठीक है कभी बच्चा पैदा नहीं किया, लेकिन प्रोसीजर हमें पता है, एक मिनट में कौन सा बच्चा आता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। ससुर को कैसे खुश करूं? ससुर क्या करता है तुम्हारा? ससुर कुछ करता नहीं है, बहुत अमीर है, बस खांसने का काम करता है। ये सारे बुड्ढे ऐसे ही तो इधरा। देख हाँ। मैं काम कर रहा हूँ, तुम्हें गोली देता हूँ मैं, ये गोली ले जाओ, ये रात को सोने से पहले दूध के साथ अपने ससुर को दे देना, खांसी बंद, ठीक है? ये तो जुलाब की गोली है। हाँ? वो भी दूध के साथ। हाँ? अरे उन्हें खांसी है। अरे बाबा ये गोली दे दोगी ना, बुड्ढा खांसने से पहले 10 बार सोचेगा। और फिर भी खांसा तो? फिर भी खांसा तो फिर तुम्हारी दीवार पे पेंटिंग पक्की है। ये ससुर वसुर सबका छोड़ो, ये बताओ मैं अपने पति को कैसे खुश करूं? पति को खुश करना है, इधर पति का मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके बताता हूं। हाँ। स्वागरा से शुरू करते हैं। ना स्वागरा से क्यों? ओके चलो सुबह ऐसे करते हैं, जस्ट इम्प्रॉम्प्टू। मान लो तुम्हारा पति ऑफिस से आ रहा है, मैं तुम्हारा पति, ठीक है? हां ओके 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 उधर उधर ऑफिस भेज दो। अच्छा मैं ऑफिस से आया, ठीक है? कुछ ऐसे खुला करना है, टंग टंग रीना मैं आ गया। अरे आप आ गए, आपके लिए खाने में क्या बना? खाना वाला छोड़ दो, इधर तो है ना। अरे अब पति ऑफिस से है, उसको कोई भी मूड हो सकता है ना बंदे का। जाओ वापस जाओ, वापस जाओ। ठीक है मेरा, मैं दोबारा कर लेता हूँ, आ रहा हूँ मैं। हाँ।
पेंट रीना मैं आ गया। अरे आप आ गए, आइए ना मेरे पास। थप्पड़ मार, तेरे को आग लगी है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।